नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बस्ती जनपद में राजनीतिक समीकरण अब करवट लेना शुरू कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें, बस्ती लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। उससे पहले बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें, जहां दयाशंकर मिश्रा ने कुछ समय पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, वहीं अब दयाशंकर बीजेपी को एक बड़ा झटका दे रहे हैं। आपको बता दें, दयाशंकर बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद आज जब मायावती ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तो उसमें दयाशंकर मिश्रा का भी नाम शामिल है। जी हाँ, आपको बता दें, दयाशंकर मिश्रा बसपा का दामन थाम चुके हैं। इसके साथ ही दयाशंकर मिश्रा बस्ती लोकसभा सीट से बसपा कैंडिडेट के तौर पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बस्ती लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बीजेपी में कुछ लोग पुष्पक विमान पर सवार हैं, उन्हें अपने कार्यकर्ता और नेता नहीं नजर आते हैं, जिस वजह से अब ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा, 32 साल तक बीजेपी में राजनीति करने वाले दयाशंकर मिश्रा ने जल्द ही पूरे दमखम के साथ ताल ठोकना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने पुराने कैंडिडेट और मौजूदा सांसद हरीश द्विवेदी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं पूर्वांचल की राजनीति के बड़े नेता कई बार के विधायक, सांसद और मंत्री रह चुके हैं। रामप्रसाद चौधरी सपा के गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इन सबके बीच बसपा ने भी अब अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। बसपा ने बीजेपी में ही सेंधमारी करके उनके पूर्व जिला अध्यक्ष को तोड़ा और अब उन्हें बस्ती लोकसभा सीट से टिकट देना जारी कर दिया है। आपको बता दें, बीजेपी से ब्राह्मण उम्मीदवार के सामने बसपा से भी ब्राह्मण कैंडिडेट के सामने आ जाने से जाहिर तौर पर बीजेपी का काफी नुकसान हो गया है, जिसका सीधा लाभ सपा के कैंडिडेट रामप्रसाद चौधरी को मिलेगा।